मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम। बांग्लादेश से आज टकराएगा तूफान। इन जिलों में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट। आपको बता दें, बांग्लादेश से आज तूफान टकराएगा राजधानी समेत प्रदेश के पूर्वा का प्रभाव जारी। इस तरह की स्थिति अगले 3 दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। राज्य में पूर्वा बहने से उमस भरी गर्मी काफी बढ़ गई है। प्रदेश के दक्षिण भाग के कुछ दिनों गर्म रहने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी भाग के जिलों में मेघगर्जन वज्रपात के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय वर्ष से ही राज्य में मानसून आएगा। सामान्यतः राज्य में मानसून का आगमन 14 से 15 जून को होता है। इस वर्ष राज्य में मानसून की अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रायः राज्य में 1000 किलोमीटर वर्षा हो सकती है। वर्तमान में प्री मानसून का दौर है। इस समय भी प्रदेश के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के असर से आने वाले 5 दिनों तक तेज हवा आंधी की संभावना प्रदेश के अन्य जिलों में है। इंदौर में तेज हवा आंधी चलने की संभावना है। गुरुवार सुबह से तेज धूप निकली, इसके बाद तेज धूप के साथ उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं बीते दिन भी दोपहर को सड़क पर आवाजाही भी कम रही। शाम को 5 बजे के आसपास बादल छाए रहने से धूप छांव की स्थिति बनी रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अरब सागर से नमी वाली हवा अभी भी पहुँच रही है। इससे कई जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी दर्ज हो रही है। 3 से 4 दिनों में हीटवेव इंदौर संभाग के कई जिलों में चलने की संभावना रहेगी। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं 29 मई को मयूरभंज में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 मई को मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी से उत्तरी हिस्से में ना जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना जताई है। त्रिपुरा के 8 जिलों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। त्रिपुरा में अगले 48 घंटे से बहुत लेकर भारी बारिश की आशंका जताई है सरकार ने। अतिरिक्त सचिव तमल मजदूर ने कहा कि चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण 28 मई तक राज्य में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 मई को दक्षिण त्रिपुरा, गोमती, धलाई, सिपाही जला और पश्चिम त्रिपुरा जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी लखनऊ सहित मध्य प्रदेश में गर्म रातें बनी हुई हैं। बीते दिन कानपुर में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले कुछ दिन पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने के आसार है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की आशंका और अनुमान जताया गया है। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।